पानी के लिए तरसती अचार वाली बस्ती। तहसीलदार बोले दो दिन में कराएंगे नया बोरवेल। खबर करहल से है, जहां अचार वाले आदिवासी मोहल्ले के लोग महीनों से व्याप्त समस्याओं को लेकर दो दिन पहले शिवपुर कलेक्टर संजय कुमार से मिले थे। अगर आश्वासन के बाद भी उनकी समस्या जस की तस ही बनी हुई है, आज सभी लोग करहल तहसील में इकट्ठा होकर आए और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं करहल तहसीलदार रविश भदौरिया को आवेदन देकर बताया कि प्रशासन के विकास की गंगा उनके मोहल्ले तक क्यों नहीं पहुंच रही है। उनके मोहल्ले में ना तो आज तक सड़क बनाई गई है और ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। चारों तरफ कीचड़ हो कीचड़ है, जिससे हमारा रहना तक दुश्वार हो गया है। गुस्साई महिलाएं कहती नजर आई कि बहुत सह लिया हमने, यदि अब की हमारी सुनवाई नहीं हुई तो अगली बार मोहल्ले की गंदगी को तहसील परिसर में फेंक के जाएंगे। वहीं आदिवासियों की समस्या की जानकारी मिलते ही नवनिर्वाचित विधायक प्रतिनिधि राम कुमार गुर्जर भी मौके पर आ गए। समस्या सुनकर बोले, ये कैसी सरकार है जो बड़े बड़े दावे करती है मगर हकीकत में गरीबों को पानी तक नहीं पिला पा रही है। उन्होंने प्रशासन से जल्द उनका सभी समस्याओं को हल करने की बात कही है। वहीं करहल तहसीलदार ने मौके पर ही जनपद सीईओ से फोन पर संपर्क कर समस्याओं को त्वरित समाधान करने की बात कही और दो दिन के भीतर मोहल्ले में नया बोर करने का आश्वासन लोगों को दिया है। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अनिल, अनिल क्यों आए हो आप तहसील में आज? पानी की समस्या लेके। पानी की समस्या कब से हो रही है? चार महीने से। किस मोहल्ले में? अचारवारे मोहल्ले में। तो क्या आज पहली बार आवेदन देने आए हैं आप? नहीं, परसों के दिन कलेक्टर के यहाँ भी गए हम। अच्छा, कलेक्टर के पास भी जा चुके हो? क्या कलेक्टर, क्या नाम है आपका? सामंदे। क्या परेशानी है? परेशानी जो ये पानी का भगे फिरते है नहीं, पानी इतने आता है तो इतने भी नहीं है, बताया जाता तो बताया भी नहीं है, और लगवा भी लिया है तो फिर भी हमारा तो कितनी भी हमारे परेशानी नहीं हट रही। मोहल्ले का क्या नाम है? अचार बारो। तो क्या पानी भी नहीं मिल पा रहा? पानी भी नहीं मिल पा रहा और ना खरंजा भी नहीं है, कछु भी नहीं है, सबकी परेशानी है। कब से परेशानी है ये? बहुत सालन से परेशानी है हमको, तो पानी मिला ही नहीं रहा, स्थाई बोर मिल नहीं रही और स्थाई पानी भी नहीं मिल रहा, ना स्थाई खरंजा आ रहा, हमरे में तो आ ही नहीं रहा, कीचड़ मचरा हुआ है। तो आप क्या पहली बार आवेदन देने आए आज? पहली बार ही आए हम, कलेक्टर कह गए तो सुनवाई ही नहीं भाई हमारी। अच्छा, कलेक्टर साहब के पास जा चुके हैं आप? हाँ गए। तो वहाँ से आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी आप तहसील किस लिए आए? हाँ, तहसील हम ऐसे ही आए हैं, पानी के समय सामने। यदि आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? अब का करे अब कचू न कचू तो तिमको भी तो कचू उन करेगो का कौन और काम कर ले का जो काम है। तूफान दे, आप यहाँ किस लिए आए हो तहसील में? तहसीली में पानी के वजह से आए, खरंजा नहीं है, पानी नहीं है, पानी भी नहीं मिल पा रहा है, पानी भी नहीं है, वो कीचड़ मचरा हुआ मेरे अखबार है वैसे ही पूरे में, खरंजा भी नहीं है हमारे। मैं बस ऐसी गंदगी हो रही है, ऐसा ही चलता यार, और आंगनबाड़ी नहीं बने ऐसा ही ऐसा ही आऊंगे यार, कैंसर भर भर का गंदगी है, जय फेंकेंगे अब तहसीली। जैसे गाँव फेंके हमारे सड़े अचार वाला सहराना के 50-60 लोग आए हैं ज्ञापन लेकर के, इनके यहाँ 60-65 घरों में पानी की बहुत समस्या है, तो अगर वैसे नहीं हो पा रही तो टैंकर से व्यवस्था हो रहा है, जब पानी कहाँ से पी रहा है? चार वाली बस्ती के लोग आए हैं सर, पानी की समस्या करंजी की समस्या को लेकर, सर कब तक इनकी सुनवाई हो जाएगी? दो दिन के अंदर इनके पानी के यहाँ पानी का बोर करा दिया जाएगा। सीओ जनपद से मेरी बात हो गई है और उनके द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि दो दिन के अंदर इनको परमानेंट इनके पानी की पीने की समस्या खत्म हो जाएगी। देखने में आ रहा है सर, ये छोटी छोटी समस्याएं, लोग तब भी परेशान है सर, क्या कहते हो सर? ये पेयजल आचार
जो भी है क्या अचार वाला सहराना है मोहल्ले की समस्या के आज मेरे सामने आई है और आज मैं इनसे केवल दो दिन का टाइम मांग रहा हूँ, दो दिन में ये पेयजल की समस्या समाप्त हो जाएगी। रही बात खरंजा की, इसमें मैं सीओ जनपद से मैं व्यक्तिगत बात कर लूंगा कि इनकी जो मूलभूत समस्या है उनको कैसे जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। जी सर, जो एक आदिवासी बस्ती के लोग आए हैं इन्हें पानी तक की व्यवस्था नहीं करा पा रहा है प्रशासन, आप विधायक प्रतिनिधि कल ही चुने गए हैं, क्या कहते हो सर ये कैसी व्यवस्था है? ये व्यवस्थाएं बिल्कुल खराब हैं। आज तक हमारे आदरणीय रामनवास जी ने इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे प्रतिनिधि का विधायक प्रतिनिधि का वो मुद्दा तो सौंपा है। अब आज हम उनसे बात करते हैं और आगे से अगर ऐसा होता है तो हम कड़ा से कड़ा आंदोलन करेंगे और एक इनकी गरीबों की लड़ाई सड़क से लेकर एन वहाँ तक कलेक्ट्रेट और तहसील जनपद पंचायत इन सब से लड़ाई लड़ेंगे हम। क्या मानते हो सर इतने बड़े बड़े दावे सरकार करती है आदिवासी? ये इनके खोखले वादे हैं, ये सिर्फ वोट वसूलने के लिए झूठे वादे करते हैं और आप देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि देखिए पानी तक की व्यवस्था सरकार नहीं करा पा रही है और ये वादे करते हैं हम ये करेंगे आदिवासियों के साथ। वैसे गरीब आदिवासियों की बस्तियों में खरंजा तक यहाँ के लोगों पर नहीं है, पैदल चलने में स्थिति हो रही है और ये मान लो आप अंधेरे में डले हैं ये लोग। तो क्या सर आप क्या एक्शन लेंगे इन चीजों पे? अब आप ही यहाँ का विधायक का प्रतिनिधित्व करेंगे सर? बिल्कुल, इन गरीबों की समस्या को हर जगह उठाएंगे और हर अधिकारी के पास इनकी उसको पहुँचाएंगे हम। इनकी लड़ाई में सदा बिल्कुल सदा इनके आधी रात पर इनके लिए हम उठेंगे और खड़े होंगे और आधी रात इनके कंधे से कंधे मिलाकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे और आज ही अधिकारी से मिलके आज इनकी पानी की पूरी समस्या करके तभी यहाँ से हम